पार्टीशन ऑफ बंगाल डिस्कस किया था ठीक है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो बेसिकली 1905 में हुई थी ठीक है तो याद रखना है सेशन कौन सा है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बनारस का सेशन था ठीक है बनारस का सेशन था 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुई थी प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी वॉज द प्रेजिडेंट एट दैट टाइम ठीक है एंड हु वॉज दॉइस रॉय करजन ठीक है तो करजन का ही बेसिकली ये मास्टर प्लान था कि हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है डिवाइड करते हैं हिंदू मुस्लिम्स को आपस में डिवाइड करते हैं रिलीजन बेसिस पे और इसी का बेसिकली जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है एक बहुत मेजर इंसिडेंट रहा एक इनफेमस इंसिडेंट रहा जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है हम देख सकते हैं कि वो जो कम्यूनल जो रिलीजन बेसिस पे जो है ये बीज बोया किसने कर्जन ने ठीक है ओके okay. तो अब हुआ क्या कि हमने जब डिस्कस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल कि पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905 और इसका ही आफ्टर इफेक्ट था कि स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट चलाए गए ठीक है स्वदेशी मूवमेंट मतलब स्वदेशी जो हमारे देश में जो चीज़ें बन रही हैं उनको अपनाया जाए और फॉरेन गुड्स को बाइकॉट किया जाए ठीक है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के आफ्टर इफेक्ट जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल का इफेक्ट था कि स्वदेशी और बैकआउट मूवमेंट आया कंजेकेटिवली नाइनटीन में ही ठीक है ओके okay. उसके बाद 1905 के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाज 1906 ठीक है उसके बाद क्या आया 1906 ईयर आया अब 1906 ईयर में क्या इंपॉर्टेंट है जो 1906 का जो इंटरनेशनल कांग्रेस का जो सेशन था ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो 1906 के सेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं आज हम क्या करेंगे 1906 से लेके आ, 1914 तक प्रोबेबली 1914 तक जो मेजर इंसिडेंट्स हुए वो डिस्कस कर लेंगे ठीक है अब देखिए 1906 में क्या हुआ था 1906 में जो प्रेसिडेंट बने इंटरनेशनल कांग्रेस के जैसे हमने डिस्कस किया था जो फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस डिस्कस की थी कि हर साल जो है नया प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा इंटरनेशनल कांग्रेस का ठीक है हर साल दिसंबर में जो है इनका सेशन बैठता था आई का ओके जिसमें ये जो भी नेशनल जो भी एजेंडाज़ हैं उनको डिस्कस करते थे ठीक है अच्छा अब जब नाइनटीन की जब जो सेशन था उसमें प्रेजिडेंट थे दादा भाई नारो ठीक है और सेशन हुआ कहाँ था तो इट्स सेशन हैपन इन कलकत्ता तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि दादा भाई नारू जी प्रेजिडेंट थे कलकत्ता में जो सेशन हुआ 1906 का अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस आ, सेशन की कि पहले तो कांग्रेस ने फिर से बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया अभी बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट चल ही रहा है ठीक है मतलब बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट ये जो मूवमेंट था स्वदेशी और बैकवर्ड मूवमेंट ये चल ही रहा था ठीक है तो ये चलते ही ये, आ, मतलब जब ये चल रहा था उसी टाइम पे ये सेशन हुआ नाइनटीन सिक्स में और इसमें एक इम्पॉटेंट डेक्लेरेशन जो है वो दादाबाई नारो जी ने दी कि उन्होंने कहा कि हम जो है मतलब उन्होंने ये कहा कि हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं दादाबाई नारो जी ने क्या कहा कि हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं और स्वराज जो है वो अब ऑब्जेक्टिव होगा कांग्रेस का ठीक है बट यहां पे स्वराज का मतलब पूरी इंडिपेंडेंस नहीं है ठीक है यहां पे जो इन्होंने बेसिकली दादाबे नारू जी ने सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्लेम किया कि हमारा जो अब मोटिव जो है कांग्रेस का अब जो हमारा कांग्रेस का एजेंडा जो होगा वो होगा सेल्फ गवर्नमेंट का अंडर ब्रिटिश रूल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल बात समझ रहे हो इसमें बेसिकली दादा भाई नहरू जी ने क्या कहा कि देखो उस टाइम पे जो ब्रिटेन है उसकी कॉलोनीज थी काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज थी ऑल ओवर वर्ल्ड ठीक है तो एक और कॉलोनीज थी जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ठीक है मतलब कॉलोनीज थी ब्रिटेन की लेकिन जो उनका आप कह सकते हो जो उनकी गवर्नमेंट है ना वो उनकी अपनी थी कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन ठीक है इलेक्टेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन थी वहां पे इलेक्टेड इलेक्टेड uh, जो लोग हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन थी बेसिकली ठीक है तो वो कहते थे कि जैसे सेल्फ गवर्नमेंट थी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कॉलोनीज वो ब्रिटेन की ही थी लेकिन इनकी सेल्फ गवर्नमेंट थी ठीक है तो वो दादा दादाबाई अनारोजी ने कहा कि जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट है वैसे ही सेल्फ गवर्नमेंट हम इंडिया में बनाएंगे इंडिया में चाहते हैं तो ये दादा दादाबाई एनर्जी ने ये प्रोक्लेम किया था नाइनटीन uh, हंड्रेड के सेशन में तो ये इस ये इस सेशन के का इंपॉर्टेंस है ठीक है ओके लेकिन स्वराज जो एक्सट्रीमिस्ट के लिए जो मतलब था ये ये कहना था दादा भाई नारोजी का हु वॉज अ मॉडरेट लीडर है ना और दादा भाई नारोजी जो है काफी रिस्पेक्टेबल लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट सारे ही इनके काफी रिस्पेक्ट करते थे दादा भाई नोजी के ठीक है ओके तो जो जो आ, कुछ एक्सट्रीमिस्ट जिनके आइडियाज थे उनको उनके लिए स्वराज का मीनिंग तो खैर उस टाइम पे कुछ हो रही था ठीक है ना वो वो ऐसे सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल वैसा उनकी आइडियोलॉजी नहीं थी वो तो कहते थे कि ब्रिटिश रूल हमें चाहिए ही नहीं ठीक है इतना ओपनली अभी उन्होंने नहीं कहा था बट दे डिट वॉन्ट ब्रिटिश रूल है ओके तो अब क्या हुआ जब ऐसी चीजें सामने आई तो ऑब्वियसली कि कांग्रेस जो है उसके स्प्लिट कि एक आप कह सकते हो कि कांग्रेस का के डिवीजन की मतलब यहां पे ही स्टार्ट बात जो है वो स्टार्ट हो गई कांग्रेस के डिवीजन की ओके okay. फाइनली फिर जो है सूरत स्प्लिट हैपनड ओके okay. सूरत स्प्लिट क्यों कहा जाता है मैंने आपको पहले भी ये बताया है सूरत स्प्लिट क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो सेशन है यहाँ पे कांग्रेस में स्प्लिट आ गई थी कांग्रेस में डिवाइड आ गई थी कब हुई थी 1907 में हुआ था तो सूरत स्प्लिट हैपन इन 1907 यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स इन 1907 इन सूरत सेशन ओके अब हुआ क्या बेसिकली बात मतलब लड़ाई हम कह सकते हैं कि, कि किस चीज पे आई हुआ क्या था सूरत स्प्लिट में इस सेशन में हुआ क्या था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना वो चाहते थे कि जो सेशन है वो नागपुर में हो सेशन कहाँ हो नागपुर में हो और या तो तिलक को या तो लाला लाजपत राय जी को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का ठीक है ज्यादा तिलक की ही बात थी कि तिलक को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए ओके लेकिन जो मॉडरेट्स थे उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि भाई सूरत जो सेशन है वो सूरत में होगा नागपुर में नहीं होगा सूरत में होगा उन्होंने सूरत में इसलिए ये सेशन करवाया सूरत में सेशन होगा ताकि तिलक जो है वो प्रेजिडेंसी से बाहर हो सके ठीक है बाल गंगाधर तिलक अब तिलक जो है प्रेजिडेंटी से, से बाहर क्यों होंगे क्योंकि ऐसा एक रूल था कि जहां का प्रेजिडेंट होगा ना मतलब या आप कह सकते हो कि जहां पे जहां पे ये सेशन होस्ट होगा उस जहां जिस जगह पे ये सेशन होस्ट होगा उस जगह का जो नेटिव बंदा है वो वहां का प्रेजिडेंट नहीं हो सकता ठीक है सपोज अगर सपोज अगर सूरत में सेशन हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो जो सूरत का कोई कोई आ, कोई भी जो आ, लीडर है अगर वो सूरत का है तो वो यहाँ का वो इस टाइम पर प्रेजिडेंट नहीं बन सकता ठीक है ओके okay. तो यानी सूरत के के बाहर का कोई जो बंदा होगा वही जो है प्रेसिडेंट बन पाएगा ऑल तो इसीलिए जो इन्होंने क्या किया मॉडरेट्स ने क्या किया उन्होंने कहा कि भाई सेशन तो सूरत में होगा क्योंकि अगर सेशन सूरत में हुआ तो तो बाल गंगाधर तिलक तो तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गए प्रेसिडेंट प्रेजिडेंसी से राइट तो उन्होंने कहा कि सूरत में होगा ताकि तिलक को एक्सक्लूड कर दिया जाए प्रेजिडेंसी से ओके अब फाइनली हुआ क्या कि किस किसने किसको बना दिया गया प्रेसिडेंट ठीक है तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि तिलक बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए या लाल लाजपतराग जी को बनाया जाए लेकिन मेजॉरिटी जो है तिलक का ही था बेसिकली कि बाल गंगाधर तिलक जी को प्रेजिडेंट बनाया जाए लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे रास बिहारी घोष ठीक है वो क्या चाहते थे रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे तो फाइनली रास बिहारी घोष को ही प्रेसिडेंट जो है बनाया गया तो मॉडरेट्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि उन्होंने डोमिनेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस टाइम पर और जो रास बिहारी घोष जो है इनको बनाया गया ऑब्वियसली देखिए जो ज्यादा सीनियर लीडर्स है दादाबाई दा नारो जी हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ठीक है डब्ल्यू सी बैनर्जी है वो तो सारे मॉडरेट्स ही थे जो ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स हैं ठीक है तो जो है इन व्यू ऑफ दैट रास बिहारी घोष को मॉडरेट जो थे इनको प्रेजिडेंट बना दिया गया इंटरनेशनल कांग्रेस का ठीक है तो इस इस वजह से क्या हुआ स्प्लिट जो है इंटरनेशनल कांग्रेस में आ गई इनटू टू ग्रुप्स दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स एट सूरत सेशन इन डिसंबर 1907 ठीक है तो डिसंबर 1907 में जो है डिवीजन होगी सूरत में इन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स ओके और अब जो कांग्रेस जो है अब वो डोमिनेट किससे हो गई मॉडरेट से अब एस उन एज कांग्रेस जो है वो डोमिनेट हो गई मॉडरेट से तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया देखो ब्रिटिशर्स को मॉडरेट से कोई इतनी परेशानी नहीं थी क्योंकि जो मॉडरेट थे उनके आइडियाज़ को इतने रेवोल्यूशनरी नहीं थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू रिफॉर्म्स चाहते थे ठीक है ब्रिटिशर्स को ज्यादा परेशान नहीं करते थे ज़्यादा कुछ इनके आइडियाज इतने रेवोल्यूशनरी नहीं थे है ना थ्रू थ्रू नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर ही चलते थे ये मतलब थ्रू पटिशंस थ्रू प्रेयर जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया थ्रू इसी तरीके से अपने जो एजेंडा है अपने ब्रिटिशर्स के आगे रखते थे ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम किससे थी एक्सट्रीमिस्ट से है ना जो जैसे लाल लाजपत राय जी हैं बाल गंगाधर तिलक हैं ठीक है थीके? तो इनसे बिपिन चंद्रपाल हैं इनसे एक्सट्रीमिस्ट से प्रॉब्लम थी क्योंकि इनके आइडियाज रेवोल्यूशनरीज थे ओके तो जैसे ही मॉडरेट्स ने ओवरटेक किया इंडियन नेशनल ने ने कांग्रेस को तो गवर्नमेंट ने क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक मैसिव अटैक जो है वो स्टार्ट कर दिया एक्स्ट्रीमिस्ट के ऊपर इनकी सारी न्यूज पेपर्स को सप्रेस किया क्योंकि उस टाइम पे जो आइडियाज़ हैं जो मैसेज हैं वो न्यूज पेपर के थ्रू पब्लिकेशन के थ्रू ही लोगों में जाते थे और वो उनको ऐसा लगता था कि ये सीडिशियस हैं ऐसे लोगों को भड़काने वाले न्यूज़ पेपर्स हैं गवर्नमेंट के खिलाफ राइट right? तो उन्होंने न्यूज़ पेपर्स बंद करवा दिए जो मेन जितने भी लीडर्स थे एक्स्ट्रीमिस्ट्स के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को मॉडरेट्स को उन्होंने कुछ कुछ नहीं कहा हाथ नहीं लगाया जो एक्ट्रीमिस्ट मेन लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया ठीक है? ये मैं में कर चुकी हूं स्वदेशी और फ्रिजल जो जो आउट कैसे हुआ था वो खत्म कैसे हुआ था वो डिक्लाइन कैसे हुआ था ठीक है तो जो मेन लीडर्स थे उनको सबको जेल में बंद कर दिया गया ठीक है लेकर उन्नीस तक और क्या किया एक तो मेन लीडर्स को जेल में तो बंद किया ही और क्या किया कि काफ़ी सारे नए लॉज बनाए गए ठीक है जो कि एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के खिलाफ थे एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के खिलाफ काफी सारे लॉज बनाए गए कैसे लॉज बनाए गए जैसे एक सीडिशियस मीटिंग एक्ट 1907 लाया एक इंडियन न्यूज एक्ट 1908 लाया एक इंडियन प्रेस एक्ट 1910 लाया मतलब इन एक्ट्स के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे सीडिशियस मीटिंग एक्ट नाइन्टीन था कि कोई भी सीडिशियस मीटिंग जो है नहीं हो सकती फिर उसके खिलाफ काफ़ी जो है मतलब कौन कौन सी पनिशमेंट जो है उसके अंदर दी गई ठीक है प्रेस के ऊपर जो है वो आप कह सकते हो कि प्रेस को बंद कर दिया ये न्यूज़पेपर्स के ऊपर जो उनकी न्यूज़पेपर फ्रीडम फ्रीडम जो थी अंडर एक्ट नाइनटीन जो आया तो उसमें उसके मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के खिलाफ जो है सारी ये मतलब ये चीज़ें चलाई गई ये लॉज चलाए गए ठीक है बाल गंगाधर तिलक जो है जो मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको मंडाले जेल बर्मा में जो है छः साल के लिए बंद कर दिया अरविंदों के ऊपर ठीक है अरविंदो घोष और और बिपिन चंद्र पाल जी जो हैं उन्होंने तो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ही ले ली थी ठीक है अरविंदो घोष मैंने पहले ही बताया कि जो अरविंदों हैं इनके ऊपर कॉन्सपायरेसी केस चला था बाद में खैर ये इनोसेंट प्रूव हुए थे नॉन गिल्टी प्रूव हुए थे लेकिन उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी पॉलिटिक्स से और इनफैक्ट बिपिन चंद्र पाल जी ने भी रिटायरमेंट ले ली थी पॉलिटिक्स से ठीक है लाल लाजपत राय जी जो है अब्रॉड चले गए थे उसके बाद हम देखेंगे कि वापिस आए थे ठीक है तो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो फिर कोई इफेक्टिव तरीका नहीं अपना पाए पार्टी को सस्टेन करने का कैसे अपनाते कोई भी मेन लीडर बचा ही नहीं था इस टाइम पे ठीक है तो मॉडरेट्स जो हैं इनकी कोई जो मॉडरेट्स बचे थे लेकिन उनका कोई पॉपुलर बेस था नहीं मतलब लोगों में मासेज में इतनी पॉपुल पॉपुलैरिटी तो थी बट दे डिट गेट दैट मच सपोर्ट फ्रॉम द मासज जितना एक्सट्रीमिस्ट को मिलता था ठीक है नाउ आफ्टर 1908 उसके बाद हम देखेंगे 1908 के बाद कि ये जो नेशनल मूवमेंट है ये हमें काफी ये हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखा ठीक है ओके और राइट जब सूरत स्प्लिट हो गया तो उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट तो जो हैं सारे जैसे हमने डिस्कस किया कि सारे जो हैं जेल में चले गए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली पॉलिटिक्स से ठीक है उनके न्यूज पेपर्स पे बैन लगा दिया गया ओके okay? तो इस टाइम तक ये फिर फ्रिजल आउट हो गया ये जो uh, मूवमेंट था ये दैट अवे ओके नाउ विल डिस्कस हमने डिस्कस किया अभी नाइनटीन हंड्रेड फाइव नाइनटीन फाइव में क्या हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी फिर नाइनटीन हंड्रेड सिक्स हमने डिस्कस किया नाइनटीन सिक्स जिसमें दादाबाई नारू जी के अंदर जो आ, जो दादा भाई नारो जी ने जहाँ पे कहा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए नाइनटीन सिक्स के सेशन में आईएनसी में कि सेल्फ गवर्नमेंट प्रोक्लेम करेंगे जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो है ब्रिटेन की कॉलोनीज़ है लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट है तो वैसा ही हम अपने लिए चाहते हैं ऐसा एजेंडा कांग्रेस uh, का उन्होंने रखा ठीक है ओके आफ्टर दैट नाइनटीन में क्या हुआ नाइनटीन में सूरत स्प्लिट हुई ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट आ गई सूरत सेशन था नाइनटीन का ये आपने याद रखना है ठीक है आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग ठीक है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी 1906 में तो कैसे ये मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई ये हम देखते हैं ठीक है मुस्लिम लीग नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एक ये ऐसी पार्टी थी जहां पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन थी ठीक है अब मुस्लिम्स ने सोचा ये बेसिकली बैकग्राउंड uh, इसका ये रहा कि जो अगेन बैकग्राउंड इसका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में ही है ठीक है जो कर्जन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी बेसिकली यहीं पे यहाँ से ही आप कह सकते हो उसका बीज जो है वो बोया गया था बट कर्जन ने क्या किया 1905 में जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने करवाई ठीक है अपना काम खराब करके यहाँ का और वापस चला गया ब्रिटेन ठीक है ब्रिटेन वालों ने कर्जन को वापस बुला लिया तो कर्जन नाइनटीन में जो है वापिस चला गया था ठीक है उसके बाद जो है कर्जन के बाद जो है वो कौन आते हैं कौन आता है कर्जन के बाद आ जाता है जी मिंटो ठीक है कर्जन के बाद आ जाता है मिंटो टू तो मिंटो टू आ जाता है वॉइस रॉय ठीक है कर्जन के बाद कौन कौन बना नेक्स्ट uh, वॉइस रॉय मिंटो बनता है जी ठीक है मिंटो टू जो है वो वॉइस रॉय बनता है कर्जन के बाद अब मिंटो जो है जब मिंटो आया तो मिंटो ने भी कर्जन की ही पॉलिसी को आप कह सकते हो आगे चलाया मिंटो ने भी मुस्लिम्स को बुलाया अपने पास और उनको कहा कि आपका भला इसी में है कि आप जो है हमारी बात सुनो ब्रिटिश के साथ ही एसोसिएट रहो ठीक है और उससे पहले जो है इन्फ्लुएंस था सर सईद अहमद खान का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी सर सईद अहमद खान ने काफ़ी कुछ किया इंडियन मुस्लिम्स के लिए उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को बेसिकली ये कहा था कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ध्यान दीजिए लिटरेसी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ध्यान दीजिए और सर सैद अहमद खान ने कांग्रेस को एक यूज़ किया था ऑफ बिंग अ हिंदू पार्टी ओके okay, ये सब चल रहा था ऑलरेडी तो अब क्या हुआ अगर हम स्वदेशी अगर मैं स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट की भी बात करूं तो उसमें भी हम देखेंगे मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम थी थी कांग्रेस के लीडर्स काफी मुस्लिम्स भी थे ठीक है बट मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन जो है दैट डिंट टेक पार्ट इन इन स्वदेशी एंड बाइक मूवमेंट ठीक है वो एक्चुअली वो इस चीज को फेवर कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्यों फेवर कर रहे थे इसका रीजन ये है कि, कि कर्जन ने जब बंगाल की पार्टीशन की तो इस तरीके से ही की कि जो ईस्ट बंगाल है वो बन जाएगा मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बनेगा ठीक है और फिर कर्जन ने मुस्लिम्स के साथ बड़ी सारी प्रोमिस की कि तुम जो है जब जब तुम्हें अलग कर दिया जाएगा तो तुम्हें बड़े सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो इस वजह से Uh, क्योंकि कर्जन ने यह कहा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मुस्लिम्स को मुस्लिम्स को यह कहा था कि तुम्हें बड़े सारे फेवर्स दे दिए जाएंगे बड़े सारे सपोर्ट दे दिए जाएंगे इसलिए मुस्लिम्स पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए ओके okay थे मतलब मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन ठीक है नॉट ऑल बट मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन ठीक है तो देवर की हाँ ठीक है हमारे फेवर में शायद कुछ कुछ रिजल्ट uh, देखने को मिलेंगे राइट तो दैट इज़ वाई दे डिन टेक पार्ट इन स्वदेशियन बायकॉट मूवमेंट एट लार्ज ओके okay? ज़्यादातर जो मासेस हैं ठीक ओके नाउ आफ्टर दैट वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट वॉट हैपन देखिए ये मैंने यहां लिखा है कि ड्यू टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम्स मास्टर्स डेंट टेक पार्ट इन स्वदेशन बैकआउट मूवमेंट एट लार्ज अब कर्जन जो है ये कर्जन की टेन्योर एटीन नाइनटी नाइन से उन्नीस सौ पांच रहा वो तो चला गया उसके बाद आया मिंटो ठीक है मिंटो जो है नाइनटीन हंड्रेड फाइव से नाइनटीन हंड्रेड टेन तक वॉइस रह रहा था ठीक है नेक्स्ट जो वॉइस रह रहा है, मिंटो रहा अब मिंटो ने क्या किया मिंट अब क्या हुआ था कि मिंटो के अंडर ठीक है मिंटो के अंडर एक मुस्लिम डेप्यूटेशन जाती है जो कि लीड कौन करता है आगा खान ठीक है आगा खान लीड करते हैं मुस्लिम की एक डेप्यूटेशन और वो जाती है लॉर्ड मिंटो के पास कहाँ पे शिमला में क्या रखना अक्टूबर 1906 की बात है अक्टूबर 1906 में एक मुस्लिम डेप्यूटेशन लॉर्ड मिंटो के पास जाती है शिमला में जो क्यों लीड कर रहा था आगा खान ठीक है उसके बाद क्या हुआ अब ये जो डेप्यूटेशन गई ना यहां पे दो चीजें हुई ये जो मुस्लिम डेप्यूटेशन हुई यहां पे दो चीजें हुई याद रखना एक तो ये जो मुस्लिम डेप्यूटेशन है इसके जाने से एक आप कह सकते हो एक पार्टी बनी एक एसोसिएशन बनी जिसका बाद में नाम बना मुस्लिम लीग है ना जो मुस्लिम लीग जो हम पढ़ रहे हैं प्लस ये जो डेप्यूटेशन गई थी इसका आगे हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी एक सेपरेट इलेक्टोरेट भी आ, की डिमांड भी रखी अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था ये मैं आगे, आगे आपको बताऊंगी अब ब्रिटिशर्स ने बात मान ली मुस्लिम्स की क्यों मान ली वो क्योंकि अगर वो बात नहीं मानते वो नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स यूनाइट हों ठीक है वो बात माने तभी मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने मतलब उन्होंने आप कह सकते हैं कि कांग्रेस कौं, ज्वाइन नहीं किया कांग्रेस की आइडियाज़ को नहीं माना ठीक है अगर वो नहीं मानते ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स के आइडियाज को तो ऑब्वियसली कि वो जो इनके जो कांग्रेस की के साथ ही फिर मुस्लिम्स ने भी कांग्रेस के साथ इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ ही चल पड़ना था है ना उनके आइडियलॉजिस्ट के साथ तो इनको सेपरेट करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश बड़े चालाक थे ब्रिटिशर्स ठीक है सेपरेट करने के लिए ही उन्होंने बातें मान ली एक्चुअली मुस्लिम्स की ठीक है अदरवाइज वो नहीं मानते ओके अब क्या हुआ इसमें जो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन है ना इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाका के नवाब का ठीक है डाका जो आज की प्रेजेंट डेट में जो कैपिटल है बांग्लादेश की तो उस टाइम पे नवाब होते थे डाका के नवाब सलीमुल्ला ठीक है तो नवाब सलीमुल्ला का बहुत प्रोमिनेंट रोल है ठीक है आ, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन में तो नवाब ऑफ़ डाका नवाब सलीम उल्ला की आपने बात आपने याद रखना है इनका इन्होंने क्या किया जो नवाब सलीम सलीम थे इन्होंने क्या किया कि प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को जो है असेंबल बुलाया कहाँ पे डाका में जो कि कैपिटल थी उस टाइम पे ईस्टर्न बंगाल की कैपिटल कौन बनी थी हमने डिस्कस किया था डाका बनी थी ठीक है ओके अब क्या हुआ फाइनली थर्टीथ नवंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो इसका पूरा नाम है बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या जिसको हम कॉमनली मुस्लिम लीग भी कहते हैं ठीक है और इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स आपने याद रखने हैं जैसे खान बहादुर गुलाम सईद आमिर अली मोहसिन मुल्क वकार उल मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये ठीक है और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम लीग के कौन बने थे दैट वॉज सर सुल्तान सर सुल्तान मोहम्मद शाह जिसको आगा खान थ्री भी कहते हैं ठीक है थीके? और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था मुस्लिम लीग का इट वॉज एक्चुअली टू सेफ द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम ऑब्वियसली ठीक है इंडियन मुस्लिम्स के राइट्स इंडियन मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट्स हैं वो जो है वो उनको बढ़ावा देना यही ऑब्जेक्टिव था ओके और जो ये मुस्लिम लीग जो बनी इसने क्या किया लॉयल्टी ऑफ ब्रिटिश अटेन करने की कोशिश की ब्रिटिश एम्पायर की लॉयल्टी तभी तो मोटिव्स मोटिव अचीव हो सकते थे जब ब्रिटिश की लॉयल्टी होगी ठीक है और मुस्लिम्स को कांग्रेस से दूर रखना ये भी था ठीक है बट देर वर पार्टिसिपेंट्स बहुत से जो हैं इंटरनेशनल कांग्रेस में भी मुस्लिम्स पार्टिसिपेंट्स थे ऐसा नहीं है कि नहीं थे बट हाँ मेजोरिटी ऑफ द मासेज वॉज नाउ विद द मुस्लिम लीग क्योंकि ये एक एक एसोसिएशन uh, बन गई थी जो इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स देखेगी ठीक है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वहां पे लीडर्स आप याद रखिएगा लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगा खान है नवाब ऑफ डाका सलीम उल्लाह तो आपने याद रखना ही रखना है और बाकी जो है वकार मौसरुल मुल्क, मौसर मुल्क ठीक है खान भा, खान बहादुर गुलाम सईद आमिर अली और आ, ये डेट याद रखनी है थर्टी दिसंबर 1906 में ठीक है जो है मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी ओके नेक्स्ट जो है दैट विल सी 1906 में अब जो है मुस्लिम लीग बन गई ठीक है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट रहा दैट वॉज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 ठीक है 1909 में आए मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स ओके अब क्या हुआ था बेसिकली कि जो मॉडरेट्स थे ना जैसे हमने सूरत स्प्लिट हमने किया अभी 1907 में मॉडरेट फेज चला अब जो है Uh, इस टाइम पीरियड में क्या था एक्चुअली जो मॉडरेट्स हैं जैसे uh, दादाबाई नारो जी थे जो भी सीनियर लीडर्स थे उनको उनको पता था कि रिफॉर्म reform, रिफॉर्म्स आने वाले हैं मतलब एक नया एक्ट आने वाला है ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक नया एक्ट आने वाला है दे वर एक्सपेक्टिंग कि इस एक्ट में कुछ अच्छा होगा हमारे लिए है ना कुछ इंडियन इंडिया इंडिया के फेवर में इंडियंस के फेवर में कुछ चीज़ें होंगी तो दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम दिस रिफॉर्म्स ओके क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो ट्रस्ट करते थे ब्रिटिश की पॉलिसीज में उनको लगता था कि नहीं टाइम आने पर हमें हमारे हक मिलेंगे ओके okay? ऑलराइट तो ये जो है मिंटो रिफॉर्म्स आए थे इनको मिंटो रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट नाइनटीन हंड्रेड नाइन भी कहते हैं ठीक है ऑल दो देवर मेनी मोर पॉइंट्स विच विल डिस्कस लेटर इन मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज अभी डिस्कस करेंगे दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर प्रोवाइडेड टू द मुस्लिम्स ठीक है नाइनटीन हंड्रेड नाइन जो है मॉडली मिंटो रिफॉर्म आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम कम्यूनल बेसिस पे या रिलीजन बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन मिली थी रिफॉर्म्स में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन आए कि रिलीजन के बेसिस पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो किस, वो किस किस हैउंसिल एक्ट में आया था ठीक है तो आ, 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 बड़े सारे एग्जाम्पल बड़े सारे ऑप्शन हो सकते हैं एटी में नाइनटीन में नाइनटीन में तो दैट के मी नाइनटीन याद रखना है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिली थी और किसको मिली थी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिली थी ये दे तो दिया ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स ने फिर बाद में मुस्लिम्स के लिए मुसीबत पड़ गई थी क्योंकि फिर उन्होंने सॉरी नॉट फॉर मुस्लिम ब्रिटिशर्स के लिए मुसीबत हो गई थी क्योंकि फिर ब्रिटिशर्स के पास सारे जा रहे थे अलग अलग करके ठीक है अ, जो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो अ, अ, विल सी की वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सारे जो है अपने अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो ठीक है ओके okay. और बाद में देना भी पड़ा फिर ब्रिटिशर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट टू वेरियस सेक्शन लेटर विल सी ठीक है अब हुआ क्या था यहाँ पे अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली होता क्या है देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि अब, अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला मुस्लिम्स को मिला तो मैं मुस्लिम्स के ही रिलेशन में बात करूंगी कि जो इलेक्शन लड़ेगा ना पर्सन वो भी मुस्लिम होगा और जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम होंगे सेपरेट इलेक्ट्रेड का मतलब ये होता है ठीक है कि जो आ, कि जो इलेक्शन लड़ेगा यहाँ पे क्या डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं थी बट एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि जो इलेक्शन लड़ेगा वो भी मुस्लिम होगा ठीक है और जो वोटर्स होंगे ऐसा नहीं कि सभी वोट कर सकते हैं ठीक है जैसे अभी तो एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी सभी वोट कर सकते हैं एट प्रेजेंट बट इस टाइम पे ऐसा नहीं था इस टाइम पे जो वोटर्स हैं वो भी मुस्लिम्स होंगे और जो वो और जो इलेक्शन लड़ेगा वो भी मुस्लिम होगा ठीक है ये मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का तो सेपरेट इलेक्टोरेट किसको प्रोवाइड की गई मुस्लिम्स को यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी तो फर्स्ट टाइम जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो नाइनटीन हंड्रेड मिंटो रिफॉर्म में आई थी याद रखना है ओके अब ये मॉडली मिंटो रिफॉर्म क्या है ये यह मिंटो क्यों कहते हैं क्योंकि मॉडले जो है ना उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया और इनकी सीट कहाँ पर थी लंडन में ऑफिस लंडन में होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो कौन था मिंटो वॉइस रॉय था यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का वॉइस रॉय था ये तो पता ही है ठीक है मिंटो टू जो है वॉज दी वॉइस रॉय और मॉडल जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है जो ये ऑफिस ये 1858 में क्रिएट हुआ था ठीक है जब काउंसिल एक्ट 1858 का आया था ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के पास डायरेक्ट पावर चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर किसके पास चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास और 1858 में फिर जो है नया काउंसिल एक्ट आया था तो 1858 में जो नया काउंसिल एक्ट आया था उसमें ये ऑफिस क्रिएट हुआ था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ठीक है बैठता कहाँ था ये लंडन में तो यहाँ पे हुआ था अब मैंने ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ मुस्लिम की इलीड सेक्शन मुस्लिम जो है अक्टूबर 1906 में ये शिमला डेप्यूटेशन पे गए थे आगा खान के अंडर लॉर्ड मिंटो से मिलने पहले भी किया ना जब मुस्लिम लीग हमने पढ़ा उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने एक तो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी ठीक है उन्होंने ये डिस्कस किया था और एक एसोसिएशन बनी थी जिसका नाम बाद में मुस्लिम लीग बना और सेपरेट इलेक्टोरेट भी डिमांड की थी जो उनको मिल गई तो कम्युनि रिप्रेजेंटेशन वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो है ये कौन से एक्ट में आया था तो 1909 जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं ठीक है याद रखिएगा ओके नेक्स्ट वी विल डिस्कस के 1909 से लेके 1917 का आईना ठीक है क्या रहा तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए 1909 के बाद ना एक जो नेशनल मूवमेंट था उसमें काफी स्लो डाउन आ गई क्योंकि उसमें बहुत हम डाउनफॉल देखेंगे डिक्लाइन देखेंगे कुछ इतना इंपॉर्टेंट मतलब कुछ इतना चल नहीं रहा था बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो है इंटरनेशनल मूवमेंट उसके बाद लीड हुआ क्यों क्योंकि जो मैक्सिमम एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे जो रेवोल्यूशनरी जिनके आइडियाज़ थे ठीक है जो सोसाइटी में कुछ करना चाहते थे जो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे वो सारे तो जेल में थे ठीक है इस वजह से स्लो डाउन आ गया ओके बट उसके बाद कुछ मेजर चीज़ें क्या रही इस फेज में वो हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे दिल्ली दरबार हुआ डेली दरबार लगा 1911 में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं ठीक है थीके? या ये जब मैंने वॉइस वॉइसराइज करवाए थे ना आपको तब मैंने आपको बताया था है ना वॉइस बताए थे तो डेली दरबार जो है वो लगा 1911 में ओके अब ये हंड्रेड में जो दिल्ली दरबार लगा ठीक है इसमें क्या था इसमें क्या था दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज इन नाइनटीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह थी कि ही मतलब जो किंग था ना ब्रिटेन का ही हिम सेल्फ विजिटेड इंडिया ओके तो कभी भी जो है हम देखेंगे पूरी जितने देर भी रूल रहा ब्रिटिश का इंडिया में ठीक है उस टाइम इस पूरे पूरे टाइम पीरियड में कभी भी जो किंग है ना ब्रिटेन का वो खुद नहीं आया इंडिया ही नेवर विजिटेड इंडिया बट यहाँ पे फॉर दर्स्ट टाइम जितने भी जितना भी ब्रिटिश टेन्यार रहा इंडिया में ओनली फॉर दी वन टाइम सिर्फ एक ही बार जो है ब्रिटेन का किंग जो है आया था इंडिया में एंड दैट वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड इलेवन एक दिल्ली दरबार लगाया गया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दिल्ली दरबार के बारे में ठीक है तो दिल्ली दरबार क्या होता था बेसिकली मतलब एक रॉयल रिट्रीट होती थी एक रॉयल रिट्रीट सेरेमनी होगी जहाँ पे ब्रिटेन आ, के जो भी किंग है या जो भी क्वीन है मतलब वो ब्रिटेन में बैठे होंगे बट उनके लिए आप कह सकते हो वॉइस रॉय जो है जो भी वॉइस रॉय होता था वो क्या करता था एक दिल्ली दरबार लगाता था और जो भी आप कह सकते हो कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो आगे पीछे के जो राजा महाराजा हैं वो सारे आते थे वो के ठीक है और बड़े रॉयल गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे अब यहाँ पे जब ये किंग जो है आया वट वॉज द नेम ऑफ द किंग देन जॉर्ज फिफ्थ ठीक है वो किंग कौन था जो आया था इंडिया में ही वोज किंग जॉर्ज फिफ्थ और उसकी जो वाइफ है क्वीन मैरी कब आए थे ये 12 दिसंबर 1911 को यहाँ पे आए थे और इस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग टू तो लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम पे और ये लॉर्ड हार्डिंग का जो है टाइम पीरियड कहां से कहां तक था 1910 से लेकर 1916 तक ही वाज दी वॉइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या हुआ याद रखना है आपने कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और टोटल दिल्ली दरबार कितनी बार लगा था तीन बार लगा था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नहीं याद है तो रिवाइज करो ठीक है थ्री टाइम्स जो है टोटल दिल्ली दरबार लगा था एक लगा था एटीन में कब लगा था एटीन में लगा था कौन था इस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था लॉर्ड लिटन था ना लॉर्ड लिटन वाज वाइसराय जिसमें उसने केसरी केजरी हिंद टाइटल दिया था क्वीन विक्टोरिया को याद आया ठीक है और उसके बाद जो है 1903 में 1903 में दिल्ली दरबार लगा था इस टाइम पे कर्जन था 1903 में कौन था वाइसराय कर्जन था ना तो कर्जन जो है वो वाइसराय था 1903 में कर्जन कब से लेके कब तक रहा 1899 से लेके 1905 तक लगा पार्टीशन ऑफ बंगाल करके वापस चला गया ब्रिटेन तो ब्रिटेन का एडवर्ड टू था एडवर्ड सॉरी एडवर्ड सेवन था एडवर्ड टू नहीं एडवर्ड सेवन था और क्वीन थी है तो ये, ये हुआ और थर्ड टाइम जो है दिल्ली दरबार कब लगा एलेवन में लगा ठीक है जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी जो है वो ये दोनों जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ओके फॉर दी ओनली टाइम मैं बोलूंगी सिर्फ एक ही बारी जो है ये इंडिया विजिट किया इन्होंने ओके okay, ये दिल्ली दरबार लगा ओके okay. और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या हुआ था हम कह सकते हैं 1912 में फिर क्या अच्छा 1911 में तो दिल्ली दरबार लग गया ठीक है 1912 में क्या हुआ कि जो कैपिटल है वो कलकटा से डेली शिफ्ट हुई थी ठीक है कैलकटा में थी ना पहले ब्रिटिश कैपिटल अब कहां पे शिफ्ट होगी थी डेली में शिफ्ट होगी थी और भी था एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ बेसिकली ठीक है ओके okay, तो ये सब रहा उसके बाद ओके okay, तो ये हुआ 1912 तक की बात अब 1913 में क्या हुआ देखिए 1913 में बनी गदर पार्टी ठीक है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं 1913 में क्या हुआ था गदर पार्टी बनी थी न व्हाट वाज दिस गदर पार्टी बेसिकली गदर पार्टी जो है एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी यहां पे मैंने गदर पार्टी के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स की पिक्चर लगा रखी है आप देख सकते हैं ठीक है वी हैव मौर्वी बरकतुल्ला ठीक है मौर्वी बरकतुल्ला वन वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ गदर पार्टी ठीक है पंडित कांची राम मोरौली ठीक है और सोहन सिंह भक्ना जी थे लाला हरदयाल जी थे बाबा केसर सिंह जी थे ये सारे जो है फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ गदर हैं एंड इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी ओके अब गदर पार्टी जो है हमने डिस्कस किया 1913 में बनी थी गदर पार्टी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी बेसिकली ठीक है रेवोल्यूशनरी पार्टी थी टोटल रेवोल्यूशन चाहते थे ये भी ओके okay? और आप कह सकते हो थोड़ी सी थो आप कह सकते हो कि मतलब ये आर्म्स उठाने में भी बिलीव करते थे ठीक है इस तरीके से इनकी जो पार्टी बनी थी इनका एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसका नाम था गदर गदर ही वीकली न्यूज़पेपर था ठीक है ये न्यूज़पेपर दिस न्यूज़पेपर वाज वेरी पॉपुलर बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है ये गदर की अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये न्यूज़ पेपर आ, मतलब सेल होता था ऑल ओवर वर्ल्ड क्या अफ्रीका बोलूँ मैं क्या इंडियन आ, ये, क्या यहाँ एशियन कंट्रीज़ बोलूँ एवरीवेयर मेजॉरिटी जो है ये गदर न्यूज़पेपर की बहुत पॉपुलैरिटी थी ठीक है ओके अब इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है कि गदर पार्टी के हेडक्वार्टर्स कहाँ थे तो गदर पार्टी के हेड क्वार्टर्स थे सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को में ठीक है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में तो बेसिकली क्या है जो गदर पार्टी है ना इसका आप कह सकते हो कि जो गदर पार्टी है इसके मेंबर्स थे यूएसए में अमेरिका में और कैनेडा में ठीक है कैनेडा में वैंकूवर में ठीक है और उसके बाद हम देखेंगे कि चलिए आगे बताती हूँ मेंबर्स जो हैं इसके ये कौन थे या ये या तो एक्स सोल्जर्स थे या तो पीजेंट्स थे बेसिकली क्या हुआ कि पंजाब से ना पंजाब से माइग्रेट हुए थे लोग काफ़ी पहले मतलब ये और आप लगा लीजिए नाइनटीन हंड्रेड की बात है काफ़ी पुरानी बात है जब पंजाब से जो है लोग माइग्रेट हुए कैनेडा की तरफ ठीक है कैनेडा की तरफ गए क्यों गए फॉर ऑब्वियसली फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है अब वहां पे जाके हमें मतलब इनको पंजाबीज़ को लगा कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लगी ठीक है उसके बाद फिर इंडिया में भी जो है इंडियरशनल मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था काफ़ी ज़्यादा तो ऑब्वियसली इफेक्ट जो है इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो इफेक्ट है वो कहाँ वो वहां तक भी पहुंचा जो इंडियंस वहां रहते हैं ठीक है थीके? वो स्पेशली स्पेशली जो रेवोल्यूशनरीज थे जैसे हम बात करेंगे ये है जी डी कुमार जी हैं रामदास पुरी हैं ठीक है, है तो अब क्या हुआ था रामदास पुरी और जीडी कुमार ने न्यूज़पेपर्स लिखना स्टार्ट किए थे इनके भी न्यूज़पेपर्स छपते थे और इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज की वजह से क्या हुआ था इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज की वजह से कनाडा गवर्नमेंट ने तो इनको कनाडा से निकाल दिया था और ये फिर ये आके शिफ्ट हो गए थे यूएसए में ठीक है ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स हैं ओके okay. तो अब क्या हुआ था ये जो मैंने आपको क्या कहा कि ये जो गदर पार्टी है इसका इफेक्ट रहा यूएसए में और मतलब इसके मेंबर्स थे यूएसए में और कैनेडा में ओके okay. और फाउंडिंग मेंबर्स हैं जैसे तारकनाथ दास हैं सोहन सिंह भक्ना है लाला हरदयाल हैं ठीक है थीके? अब ये जो गदर प्रोग्राम है ये मतलब कैसे ऑर्गेनाइज होता था असेसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स करो पब्लिश रेवल्यूशनरी एंटी इम्पेरिस्ट जो लिटरेचर uh, वर्क है वो करो और uh, और मतलब इंडियन uh, बेसिकली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो भावना थी जो फीलिंग थी इंडिया में अब वो फीलिंग इन्होंने यहाँ पे भी फॉरेन में बैठ के जो है वो भी स्टार्ट की ठीक है उसके बाद हम देखेंगे लेटर जो गदर पार्टी के जो रेवोल्यूशनरीज uh, थे जो लीडर्स थे वो गदर मूवमेंट को और ज़्यादा uh, आप कह सकते हो बढ़ावा देने के लिए और गदर मूवमेंट की आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करने के लिए बाद में हम देखेंगे लीडर्स इंडिया भी आए थे ठीक है ओके तो दिस वॉज अबाउट गदर पार्टी आपने याद रखना है हेडक्वार्टर्स याद रखने एग्जाम में काफी बार हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं गदर पार्टी के ठीक है तो कहाँ थे हेडक्वार्ट सैन फ्रांसिस्को में थे न्यूज़ पेपर छपती थी गदर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है मैक्सिमम पार्ट्स में पब्लिश होती थी मतलब सेल uh, होती थी ठीक है गदर पार्टी गदर न्यूज पेपर ओके और इसके लीडर्स आपने याद रखने हैं लाला हरदयाल जी बहुत इंप्रॉमिनेंट फिगर हैं लाला हरदयाल जी रामदास पुरी जी डी कुमार तारकनाथ दास सोहन सिंह भकना वेरी इंपॉर्टेंट सोहन सिंह भकना लाला हरदयाल ये सारे एसोसिएटेड थे गदर मूवमेंट के साथ ठीक है एंड इनफैक्ट इनफैक्ट रकतुल्ला जी ठीक है बरकतुल्ला जी जो है ये भी गदर मूवमेंट के काफी प्रोमिनेंट लीडर हैं तो ये आपने याद रखना है ओके नेक्स्ट एंड सम रिलेटेड इंसिडेंट ये है ठीक है कोमा गाता मारो इंसिडेंट नाइनटीन में हुआ था ओके तो कोमा गाता मारो इंसिडेंट जो है 1914 में जो आ, ये इसमें बेसिकली क्या था यह कोमागातु मारू क्या है ये कोमा गाता मारू जो है एक शिप का नाम है बेसिकली व्हाट इज दिस कोमाता मारू दिस इज द नेम ऑफ द शिप अब हुआ क्या इसमें हुआ क्या था कि जो भी साउथ एशियन कंट्रीज के जो लोग थे ठीक है इंक्लूडिंग इंडिया ठीक है वो क्या वो क्या करते थे वो चाहते थे कि वो कैनेडा शिफ्ट हो जाएं ऑब्वियसली फॉर द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओके तो इससे तो इसकी वजह से क्या हुआ एक गुरदीप सिंह संधु जी थे गुरदीप सिंह संधु जो हैं बिजनेसमैन थे सिंगापुर के इन्होंने क्या किया किसी तरीके से एक शिप हायर की जापान से जो है ये शिप चली जापान से ये जो है शिप जो है इन्होंने हायर की जिसका नाम था कोमागाता मारू ठीक है और ये जो जर्नी है ये हांगकांग से स्टार्ट हुई और काफी जगहों से होते हुई ये पहुंची फाइनली कनाडा में ठीक है ऑलमोस्ट 300 टू 400 जो है यहाँ पे पैसेंजर्स होंगे इसमें और ये फाइनली जो शिप है ये कहाँ पहुंची किसने शिप की थी गुरदीप सिंह संधू ने जो कि एक बिजनेसमैन थे सिंगापुर के इन्होंने शिप की हायर की और फाइनली ये शिप जो है कहाँ पहुंची कैनेडा में वैंकूवर है ठीक है वैंकूवर जो जगह है ना ये कैनेडा और यूएस के बिल्कुल बॉर्डर पे है कैनेडा और यूएसए के बिल्कुल बॉर्डर पे है वैंकूवर ठीक है तो वैंकूवर में ये शिप जो है पहुंची ईस्ट से चली और वैंकूवर जो है कैनेडा में ये शिप जो है वो पहुंच गई ओके लेकिन यहाँ पे जो कैनेडियन अथॉरिटीज थी उन्होंने उन्होंने जो भी शिप के जो पैसेंजर्स थे उनको उतरने से मना कर दिया मतलब उन्होंने उनको, उनको एक्सेप्ट करने से पैसेंजर्स को मना कर दिया उन्होंने कहा कि भैया वापस चले जाओ ओके उन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या हुआ ये शिप जो है ये काफी है, मतलब वहाँ पे काफी क्लैश चला काफी चला कि हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं अब हमने तो आना ही है ठीक है बट वो उनको आने नहीं दे रहे थे जो कैनेडियन पोर्ट अथॉरिटीज हैं तो ये जो शिप है वहां पे काफी मतलब दो तीन महीने तक वहीं पे जो है शिप ये अटकी रही ओके okay, वहां पे वैनकूवर में तो लोगों की ऑब्वियसली हालत खराब थी और एंड दोज पीपल एक्चुअली टर्न इन रेवोल्यूशनरी एक मॉब जैसा वो टर्न हो गया ऑब्वियसली कि वहाँ लड़ाई झगड़ा भी हुआ कि हमें क्यों नहीं एंट्री एंट्री करने दे रहे हो ठीक है तो फाइनली फिर जो शिप है क्योंकि उन्होंने एंट्री नहीं करने दी तो फाइनली इस शिप को वापस आना पड़ा ओके okay? ये शिप वापस आई और ये शिप वापस आई और कहाँ रुकी कैलकाटा पोर्ट पे हाँ ये शिप वापस जहाँ से स्टार्ट हुई थी जैसे हम कहेंगे हांगकॉन्ग वगैरह वहाँ पे भी ये शिप गई थी लेकिन क्योंकि इनके ऊपर रेवोल्यूशनरी ऑलरेडी इनके ऊपर ये लग चुका था कि ये रेवोल्यूशनरी लोग हैं या ये मॉब हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पर इनको कहीं पर भी एंट्री नहीं मिली तो फाइनली जो है कैलकटा पोर्ट पे ये जो शिप है ये वापस आई और फिर क्या किया ब्रिटिशर्स ने क्या किया आ, ट्रेन के थ्रू फिर इनको जो है सभी लोगों को बिठा के इनको कहा कि भाई तुम सब लोग बैठो और वापस चले जाओ पंजाब क्योंकि मैक्सिमम जो है ये सारे सिख कम्युनिटी के लोग थे पंजाब के ही लोग थे ठीक है तो इनको वापस कहा कि भाई तुम ट्रेन में बैठो और वापस पंजाब चले जाओ तो उस वजह से अब जो लोग हैं वो मान नहीं रहे थे इस वजह से क्या हुआ कि एक क्लैश हैपन काफी लड़ाई वगैरह क्लैश जो है दैट हैपन्ड बिटवीन ब्रिटिश पुलिस बिटवीन पुलिस एंड एंड पैसेंजर्स ऑफ द शिप ठीक है तो ऑलमोस्ट कहा जाता है बीस बाईस लोग जो हैं, वो यहां पे इन उनकी डेथ हो गई थी इस क्लैश में जो है दे डाइड ठीक है और काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था कई लोग मर गए थे 20 से बीस से पच्चीस लोग और काफी लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था और कई लोग वहां से भाग गए ओके तो इस पार्टी इस जो है इस इंसिडेंट से जो गदर पार्टी के जो मेंबर्स थे दे वर वेरी मच अनोयड विद दिस कोमा तो मारू इंसिडेंट ओके तो ये कोमागा तो मारू इंसिडेंट नाइनटीन हंड्रेड फोर्टीन में हुआ था तो ओके और उसके बाद हम देखते हैं कि बाय नाइनटीन अगर मैं गदर मूवमेंट की बात करूँ गदर मूवमेंट और कोमागा तो जो है इस वजह से ही एसोसिएटेड है तो उसके बाद जो नाइनटीन की मैं बात करूँ तो अगर गदर मूवमेंट की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ कि इस टाइम तक कोई प्रोमिनेंट लीडर जो हैं वो नहीं बचे थे इस वजह से जो गदर मूवमेंट uh, जो है दैट आल्सो फ्रिज़ल्ड आउट दैट आल्सो डिक्लाइंड ओके और ये जो है ये कोमागा कोमागाटा मारू इंसिडेंट था 1914 में इट इट वाज द नेम ऑफ द शिप आपने याद रखना है ठीक है जो कि स्टार्ट हुई थी जापान से गई कहां पे कनाडा में वैंकूवर में कैनेडियन अथॉरिटीज ने उनको लेने से मना कर दिया पैसेंजर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया फिर ये वापस कहाँ पे आए थे कलकटा में आए थे और कलकटा में जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उन्होंने कहा कि भाई तुम बैठो ट्रेन में और वापस पंजाब चले जाओ क्योंकि सिख कम्युनिटी के लोग थे तो उन्होंने ये बात नहीं मानी उसकी वजह से क्लैशेज हुई बिटवीन ब्रिटिश एंड बिटवीन दी पीपल जो पैसेंजर्स थे शिप के और उस वजह से काफी लोग काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी आधे लोगों को उन्होंने आधे लोगों को अरेस्ट कर लिया था कई लोग भाग गए ओके देट वॉज दी मारू कहाँ मंगा तो मारू इंसिडेंट ओके

थर्टी डिसंबर नाइनटीन हंड्रेड में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है याद रखिएगा उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आता है वेरी इंपॉर्टेंट मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स जिनको 1909 में कहते हैं जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिली फॉर द फर्स्ट टाइम टू मुस्लिम्स याद रखिएगा ओके आफ्टर दैट दिल्ली दरबार जो है वो लगता है नाइनटीन में लॉर्ड हार्डिंग इस टाइम पे वॉइस रॉय थे ओके okay. कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी जाती है कलकत्ता से डेली एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है ठीक है हार्डिंग के टाइम पे ही उसके बाद गदर पार्टी हमने पढ़ी नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन में जिसके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं कहाँ थे फ्रें, सैन फ्रांसिस्को में थे ठीक है लाला हरदयाल जी आ, सोहन सिंह भक्ना जी ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं